Don't tell me that. बाबा कृष्ण का मित्र सुदामा था, सच्चा मित्र था, तो सुदामा को कृष्ण ने अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? शादी में क्यों नहीं बुलाया था अपने मित्र सुदामा को? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिए, भागवत में नाम कृष्ण का डाल दिए, कृष्ण भगवान था क्या? परंतु नाम कृष्ण का डाला हुआ है, ऐसे तो कृष्ण का आती है आकृष्ट करने वाला, आत्माओं को खींचने वाला। तो आत्माओं को जो खींचेगा तो आत्माएं भागेंगी या शादी करेगा? क्या करेगा? आत्माएं तो उसके पीछे भागेंगी, शादी आदि की तो बात ही नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग के कंठ कंठ दिखाए हुए हैं शास्त्रों में। तो बुलाने की तो बात ही नहीं होती। सुदामा का तो आती है जिस समय सुंदर सुंदर दाम धारण किया, दाम माने धन संपत्ति। भगवान की दी हुई संपत्ति क्या है? ज्ञान ही धन संपत्ति है। उस धन संपत्ति को जिसने धारण किया वो ही सुदामा है। कृष्ण भगवान शिव है, सुंदर दाम धारण करने वाली राम की आत्मा है, शिव शादी करने आता है या शादी बर्बादी बताने आता है? बताता है शादी बर्बादी। तो भगवान कृष्ण के रूप में खुद शादी कैसे करेगा? और कर्म कहते हैं ये बांध में रह करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो पाप कर्म बन जाते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर भगवान की बताई हुई श्रीमत के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म बन जाते हैं, और अकर्म तब बनते हैं जब हम परमात्मा बाप की स्मृति में रहते हैं। जैसे बाप अकर्ता है तो हमको भी अकर्ता बनाता है, परंतु पूरी स्मृति होनी चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, सहज याद चाहिए। निरंतर न हुआ, बीच बीच में औरों की याद आती है तो विकर्म जरूर बनेगा। अकर्म होते हैं सतयुग में, क्योंकि जो परमात्मा असली स्वरूप है ज्योतिबिंदु, या आत्मा का जो स्वरूप है ज्योतिबिंदु, वो सदैव याद रखता है। इसलिए वहां कर्म अकर्म बन जाती है। द्वापर युग से द्वैतवादी युग आ जाता है,
अपन को देह समझने लग पड़ते हैं। आत्मा होते हुए भी अपन को देह समझते हैं। तो एक हुए या दो हुए, द्वैत बात बुद्धि में बैठ जाता है। द्वैतवाद के अनुसार पाप कर्म बनने लग पड़ते हैं। तो द्वापर कलयुग में पाप कर्म बनते हैं देवहन के कारण, और सुकर्म बनते हैं संगम युग में, जबकि बाप आकर के ज्ञान समझाते हैं। रास्ता बताते हैं कि कैसा कर्म करने से सुखी रहेंगे, कैसा कर्म करने से सुंदर कर्म कहा जाएगा। पास्ट के कर्मों को भस्म करना भी सिखाते हैं। गिरना भी अच्छा नहीं होता। जो दो योद्धा युद्ध करते हैं तो कोई योद्धा दूसरे योद्धा को चित्त मार देता है, जैसे कि हार गया तो चित्त पुरुषार्थी कहा भी नहीं जाता है। जो चित्त या पट्ट गिरे उसे पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। और बोलते हैं ना कि सारे संसार को दो खंड से समझे शुरू किए गए, तो खंड की मौन से जो है नहीं रंग ये बात कर जब आप शुरू कर दो। और मैं जो है पढ़ा लिखा नहीं और पीछे बोल रहा था, आप ही बोल रही होता में जो है नहीं लिखा, ओका मिल लिख करके नहीं दिया। हाँ अनपढ़ है, पढ़े नहीं है, अनपढ़ है, पढ़े हुए नहीं है। तो अच्छा हम जो है कोई भी पोता में चाहे कोई भी बाबा से जो है चिट्ठी लिख के, मतलब मैं नहीं दिल के बात दे सकता हूँ, कोई भी दिल के बात मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ। और बाबा का बुगली में भी जैसे आया था कि जब तक पोता मिल नहीं रहे तब तक जो है कोई ज्ञान जो है बुझे नहीं बैठे रड़ेगा नहीं, वो कोई बात नहीं याद आती रहेगी। हाँ अब बुद्धि में जाए मतलब मुरली सुनता मन कौन जो है बुद्धि नहीं कर सकता है, नहीं याद रह सकता है। बुद्धि में मुरली की बात नहीं बैठती, याद नहीं रहता है। हाँ जो मैं किसको सेवा कर पाऊँ, किसको सेवा कर पाऊँ, किसको मतलब बतला पाऊँ, बुद्धि में नहीं रह पाता। 2006 में पहले मैं भर्ती किया था तो उस समय जो है मैं मंथन करता था, कुछ कुछ समझा सकता था, मेरे को बुद्धि अच्छा चलता था, मेरा भी चलता था। अब आप अगर अपने अंदर की बात लिख करके नहीं दे सकते हैं तो कोई अजीज दोस्त होते हैं उनसे लिखवा के दे दो, वो तुम्हारी बात इधर उधर आउट नहीं करेंगे।
क्योंकि आपके शुभ चिंतक हैं, तो क्यों आउट करेंगे? जितने बैठे हैं वो सब डायरेक्ट ही तो सीख रहे नहीं बाबू। अरे योग माने क्या? योग माने क्या? अरे बताओ तो योग माने क्या? याद, याद कब आती है? फूल है, फूल को सूंघा, बड़ी खुशबू बढ़िया है। ऐसी बढ़िया खुशबू हमने किसी फूल में कब भी नहीं देखी। याद आता है ना? याद आता है ना? कान से कोई गीत सुना, बड़ा सुंदर गीत है, और किसी के सामने बैठ करके सुन लिया, कितना अच्छा गाता है। तो कान से सुना ना, उसने मुख से गाया और हमने कान से सुना, और वो याद आता है। आंख से उसे देखा भी तो भी याद आता है। तो कोई भी कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से जो भी संसर्ग संपर्क में आना होता है वो याद आता है या नहीं याद आता है? वो याद। अब इसमें राज क्या भरा हुआ है? इसमें राज ये भरा हुआ है कि और आत्माओं के साथ जो हम योग लगाते हैं, उस योग में और बाप के साथ जो योग लगाते हैं उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि और आत्मा में लगाव झुकाव भरा पड़ा है। देह भान का अटैचमेंट भरा पड़ा है और बाप में अटैचमेंट नहीं है, लगाव झुकाव नहीं है, लेप छेप वाली आत्मा नहीं है। ये राज भरा हुआ है, इसलिए बाप की याद एक ही अंतिम जन्म में होती है और वो याद की शक्ति सारी दुनिया के कण कण में समा जाती है। जीव जंतुओं की आत्माओं में भी समा जाती है, मनुष्यों की तो बात ही क्या ठहरी। लोगों ने उसे कह दिया सर्वव्यापी, परमात्मा बाप सर्वव्यापी है या उसकी याद सर्वव्यापक हो जाती है? याद सर्वव्यापक हो जाती है। और इंप्रेशन है ना, डिप्रेशन में रहेंगे तो सोल प्रवेश कर सकती है, हाँ? सोल प्रवेश करेगी तो वो अपना फोर्स डालेगी या तुम्हारा काम करने देगी? ये बांध में रहने से डिप्रेशन होता है, आत्मा अभिमानी को डिप्रेशन नहीं होता है, हल्की फुल्की रहती है आत्मा। आत्मा अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, आगे चल के तो
मौत का बाजार लगेगा, ढेर की ढेर अकाले मौतें होती रहेंगी। जो अकाले मौत में मरते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, उनको अपना आधार चाहिए। एक एक आधार में अनेक सोलह प्रवेश करेंगी, उल्टे पल्टे काम कराती रहेंगी। इसलिए अभी से बहुत प्रैक्टिस करनी है। अच्छे और बुरे स्वप्न, अच्छे और बुरे संकल्प, ये त्रेसठ जन्मों की रील घूमती है। त्रेसठ जन्मों में जो अच्छा बुरा किया है वो रील इस समय घूम रही है। अच्छी रील घूमती है तो समझो हमने अच्छे कर्म किए, ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि न चाहते हुए भी हमें अच्छी याद आती है, हल्कापन रहता है। और जब बुरे कर्म उदय होते हैं तो कितना भी पुरुषार्थ करें अवस्था डावाडोल बनी रहती है, चाहने पर भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं होगा। ये कर्मों की कोई गति है। बाबा वापर युग से पाप कर्मों का भोजन चलना शुरू होता है। हाँ जी, तो बाबा अंतिम जन्म में पाप कर्मों का भोजन करते हैं या उससे पहले भी जब ज्ञानी और ज्ञानी दोनों का पाप कर्मों का भोजन करते हैं? बाबा पूजा उतरने का टाइम संगम युग है, क्योंकि और युगों में तो पता ही नहीं है किसी को कि पाप कर्मों का बोझ हल्का कैसे हो। परमात्मा बाप की पहचान ही किसी को नहीं है। और राम को वनवास किया था बेहद में तो कहते हैं राम को वनवास किया था। हाँ, बेहद भी कई कई है, माताएं सब एक जैसी होती है क्या है? कोई माता कौशल्या जैसी होती है, कुशल कर्म करने वाली, योग कर्म सुकौशलम, ऐसे योग युक्त होकर के कर्म करती है, ऐसे कुशलता पूर्वक कर्म करती है जो संसार में नाम वाला हो जाता है। माता का स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनती है। कोई माता ऐसी होती है विवाह बन जाती है बाप के साथ, पति के साथ। बाप तो कहते हैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होना चाहिए। पत्नी के संबंध में वफादार होना बहुत जरूरी है। वफादार न रहे जो बातें पति को ही मालूम होनी चाहिए वो बातें सबको दूसरों को बताना, अथवा कोई खास दूसरे व्यक्ति से मैं प्यार कर लेना। कई कई से मोह लगा लेना, उनका नाम पड़ गया कई कई माता। तो ऐसी माताएं वाचा से भी विकर्म कर बैठती है, कर्मेंद्रियों से तो विकर्म करती ही है, मनसा भी भ्रष्ट होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही सब बैठी हुई है, नंबरवार कई कई हैं, नंबरवार कौशल्य हैं। पहला श्रम क्या
ब्राह्मण धर्म है, ये भी अभी पूछने की बात रह गई। मनुष्य का पहला धर्म, मनुष्य का पहला धर्म है स्वचिंतन, अपने का आत्मा का चिंतन करो, स्वधर्म। हम हैं कौन, पहले पहले हम क्या हैं, आत्मा है, तो आत्मा है तो आत्मा के धर्म में ठीक है, धर्म माने धर्म, आत्मा की धारणा क्या है, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं देह नहीं हूं, और साक्षात्कार आप होते रहते बाबा शक्ति मन की मौत वाली पाठ के शुरू हो गया। बहुत सी माताएं ये अनुभव करती हैं कि जो काम हम बोल बोल के नहीं करा पाए, बहुत मेहनत करके नहीं करा पाए, जब से अंदर अंदर बाबा की याद करना शुरू किया अमृत वेला, मौन रह करके सर्च लाइट देना शुरू किया, तो वो काम आरंभ होने लगा। यही मन का मौन है, मन सबसे सशक्त 11वीं इंद्रिय है, ऐसी इंद्रिय है कि जिस इंद्रिय के बगैर कोई इंद्रिय अपना भोग नहीं ले पाती। अगर मन साथ नहीं देता है तो मन बड़ा प्रबल है, सिर्फ मन को एकाग्र करने की शक्ति चाहिए। और वो एक भी चुनना पड़े कि किसके अग्र रहने की शक्ति चाहिए, ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है, मन सदैव एक के आगे बना रहे, तो कितनी ताकत मिलेगी। मन का काम है संकल्प करना, ऐसी ताकत मिलेगी कि संकल्प किया और काम हुआ, उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। बाबा कोई आत्मा अगर शरीर को किए तो उसको तिरहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काम वो करना चाहिए जिससे कोई फायदा हो, जिससे नुकसान हो उससे कोई फायदा नहीं है काम करने का, तो काम क्यों करना चाहिए। कोई फायदा है, फायदा नहीं है, लेकिन कोई पूछता है तेरे भी करें तो कहो खूब करो, तुम अपनी भगत ही पूरी कर लो, जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठना शुरू हो जाएगा। कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है, ये भी एक पाप हो जाता है। ज्ञानी है जिसने बाप को पहचान लिया, वो तो बाप की वाणी को टटोलेगा, बाप ने क्या डायरेक्शन दिया है, मुरली में कभी डायरेक्शन आया है कि तेरवी करो, मुंडन करो, है
जय उदाहरण करो। आया नहीं आया तो क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि ज्ञानदाता की अभी पहचान नहीं हुई है, या तो ज्ञानदाता मिला ही नहीं है। ज्ञानदाता एक ही है, एक ही सदगति दाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। परंतु ये बात बुद्धि में बैठी नहीं है तो अज्ञान की ही बातें पूछते रहेंगे, फिर भी करें या नहीं करें। एक मिनट। हाँ, रामायण में राम और लक्ष्मण दो पार्ट हैं या एक पार्टधारी है? है? दो पार्टधारी है। भागवत में और महाभारत में कृष्ण और बलराम दो पार्टधारी हैं या एक ही पार्टधारी है? दो पार्टधारी। प्रश्न चल रहा है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, कृष्ण की आत्मा संगम युग में अंत कर पाती है साकार शरीर रहते, या रामन ही आत्मा अंत करती है? परंतु राम वाली जो आत्मा अंत करने के निमित्त बनती है उसका कोई 100% सहयोगी भी होता है या नहीं होता है? कौन है 100% सहयोगी? कौन है? बाप के कारोबार में 100% सहयोगी कौन बनता है? कोई भी बाप है, उस बाप का कारोबार को चलाने वाली बढ़ाने वाली 100% सहयोगी आत्मा कौन बनती है? बच्चा बनता है बाप के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला, 100% सहयोगी बच्चा बनता है, बाप के राज्य को आगे बढ़ाने वाला, नाम वाला करने वाला बच्चा बनता है। तो राम बाप का पार्ट है, तो उसका बच्चा कौन बनेगा? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वही राम का बल है प्रैक्टिकल जीवन में। उसे हनुमान कह दिया है, रावण की जेल से सीता को छुड़ाने का जो मुख्य कार्य था उसमें विशेष सहयोगी कौन सी आत्मा बनी? हनुमान बन। आप उसे हनुमान कह दो बलराम कह दो, बात तो एक ही। ज्ञान बड़ा पेचीदा है। कृष्ण की आत्मा बलराम हो गई और राम वाली आत्मा भगवान हो गई। कोई शायद विश्वास भी नहीं करेगा। फिर इसके लिए कहा जाता है 7 दिन का कोर्स करो, 7 दिन बैठ करके समझेंगे तभी बुद्धि में बैठेगा, भट्टी करो। हाँ जी, स्वाद और याद भी चाहिए। स्वाद और याद भी, स्वाद और याद भी का अंतर है। हम कैसे प्राप्त से याद की तरफ?
याद जो है वो मन से बुद्धि से किया जाता है और स्वाद इंद्रियों से लिया जाता है। नहीं समझ में आया? मन सूक्ष्म इंद्रिय है और इंद्रियां स्थूल हैं। उन स्थूल इंद्रियों से स्वाद लिया जाता है, परंतु अगर उन इंद्रियों के स्वाद में मन सहयोगी नहीं है तो वो स्वाद भी महसूस नहीं होता। स्वाद से याद की तरफ कैसे बढ़ है? स्वाद से याद की तरफ कैसे? स्वाद से याद की तरफ कैसे बढ़े? क्या काम करते करते याद आना असंभव है? नहीं, प्रैक्टिस करें। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, पहला शास्त्र कौन सा है? गीता। गीता में पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन ने पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे एकाग्र करें? तो जवाब क्या आया? अभ्यास करो। अभ्यास है तो कौनते है, दुनिया से वैराग पैदा करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब मिथ्या है, उससे वैराग आ जाना चाहिए। सब झूठा है, सब धोखेबाज है। अंत में एक परमात्मा बाप ही सहयोगी बनेगा, इसलिए सब बता दी हरे बल। इन दो बातों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मन को एकाग्र करने का। स्वाद में ये तो हर आत्मा का अलग अलग हिसाब किताब है। जैसी जैसी प्रैक्टिस डाली है, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। कोई ने जिव्या की बहुत खराब आदत डाल दी है और जन्म जन्मांतर की आदत पक्की हुई पड़ी है, तो क्या करना पड़े? हैं? जो भी खाना है तो किसकी याद में खाए? बाबा की याद में खाए। हाँ, मन बुद्धि स्वाद में आती है, बार बार स्वाद में आए, बार बार परमात्मा की याद में रमो। स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। चौपड़ा तैयार हो गया। बाबा का कोई बच्चा अगर सभी परिवार में रहता है, हाँ, तो कृष्ण पुरुषार्थी आज्ञा पुरुषार्थ करता है, श्री कृष्ण करता है, हाँ, क्या ऐसी आत्मा एक बार की माला में आएगी? जो नहीं आ सकती, जो लौकिक परिवार में रहता है, जो बच्चा वो लौकिक परिवार में रहते हुए बैलेंस में नहीं चल सकता। बैलेंस में भी चल सकता है और बाबा की हर श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकता। जब हर श्रीमत को फॉलो करेगा तो सरेंडर हुआ या नॉन सरेंडर हुआ? सरेंडर बुद्धि हुआ। जो सरेंडर होंगे वो राजयोग पक्का पक्का सीख सकेंगे।
सरेंडर होने वाले ही राजाएं बनेंगे, राजकुल में आवेंगे। बाबा ने बोला अंदर वाले बनेंगे, सब थोड़े ही, ये थोड़े का सब बनेंगे, ये कहा कि अंदर वाले भी रह जावेंगे और बाहर वाले भी ले जावेंगे। सब बाहर वाले ले जावेंगे, जैसे सब बाहर वाले नहीं ले जावेंगे, कोई कोई ले जावेंगे, ऐसे ही सब अंदर वाले नहीं रह जावेंगे, कोई कोई रह जावेंगे। अरे अभी तो कहा आठ की माला में आने वाले हैं, वो नष्टो मोआ होंगे शुरुआत से ही, उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की, एक बाप दूसरा न कोई, काम करेंगे तो किसका करेंगे, एक बाप का काम करेंगे, टाइम देंगे तो किसके लिए देंगे, एक बाप के कार्य में टाइम देंगे, धन अर्पण करेंगे तो कहां करेंगे, एक बाप के कार्य में धन अर्पण करेंगे, धन की सेवा देनी होगी तो कहां देंगे, एक बाप के कार्य में धन की, शुरुआत से ही फाउंडेशन ही उनका ऐसा होगा। फाउंडेशन बाबा डल चुका ही आगे डलेगा, ये फाउंडेशन डल चुका ही आगे डलेगा। ज्ञान में आने के तुरंत बाद फाउंडेशन देखा जाता है या आगे चल के देखा जाता है? अरे ज्ञान में अभी आए, अभी बच्चे की, अभी बाप को पहचाना, 10-15 साल के बाद फाउंडेशन पड़ेगा। फाउंडेशन माने शुरुआत, फाउंडेशन बाद में नहीं पड़ता है, फाउंडेशन पहले पड़ता है या बाद में पड़ता है? हाँ पहले से ही पड़ता है। परम नाम से आने के बाद आत्मा परम नाम से आने के बाद पूरा चक्र आगे जाती है, इसमें से भी कोई जाता है? ड्रामाबाजी होती है, नाटकबाजी लोग करते हैं, तो जो नाटक में आने वाले एक्टर्स हैं, जब नाटक को पूरा होता है तब जाते हैं, या बीच में कोई चला जाता है? शरीर छोड़ना बात अलग है, शरीर छोड़ने से आत्मा परमधाम वापस जा सकती है, रास्ता मालूम है? आत्मा को तो रास्ता मालूम ही नहीं है, बाप आकर के जब बताएगा तभी परमधाम का रास्ता पता चलेगा। हाँ जी मूर्ति चित्र में शंकर को शरीर को भी कपड़ा कहा जाता है, ये शरीर क्या है? ये कपड़ा है, ये कपड़ा किसने पहना? आत्मा ने पहना, ये शरीर कपड़ा छोड़ देगा, ये आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को छोड़ देगी, फिर दूसरा शरीर लेगी, दूसरा कपड़ा लेगी, ये बात गीता में भी लिखी हुई है। आत्मा क्या करती है? पुराने वस्त्र त्यागती जाती है, नए वस्त्र धारण करती जाती है। तो शंकर जी को नंगा दिखाया है का मतलब आत्मा को तो नंगा नहीं दिखा सकते, आत्मा तो है ही नंगी, तो स्कूल कपड़े उनके हटा दिए ताकि लोगों की बुद्धि में आए इनको कौन से कपड़े नहीं है, वेद के देवान रूपी कपड़े नहीं है, यह स्कूल कपड़ों की बात है, देवान के कपड़े नहीं। बाबा जो की बच्ची है मेरे, इसको अपने समर्पित करना चाहते हो, पर उसकी लक्षण नहीं कर रहे उसकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, आपके चाहने से ही आत्मा चले, आत्मा पर आपका अधिकार होना चाहिए या परमात्मा बाप का अधिकार होना चाहिए?
बाप का अधिकार होना चाहिए। तो परमात्मा बाप तो ये कहते हैं कि जो बच्ची चाहती है वैसा करो, बच्ची शादी करना चाहती है तो उसकी शादी करो, ज्ञान लेना चाहती है, ज्ञान में चलना चाहती है, अर्पण होना चाहती है तो अर्पण। बच्चे बच्चे जी बच्चे जी क्या हमें शादी करो तो क्या करें, शादी करो अनुभव ले लेना तो दुनिया का। बाबा पाप तो नहीं लगेगा माँ बाप को, बातें भी कर रही। बाबा की श्रीमत पर चलने से पाप लगता है क्या? बाबा की श्रीमत क्या है इस संबंध में? कन्या अगर शादी चाहती है तो उसकी शादी करना है। कहा नहीं है शंकर जी ने पार्वती को यमुना के कंठे पे अमर कथा सुनाई, यमुना के कंठे पे अमर कथा सुनाई और वो सुनते सुनते पार्वती सुनते सुनते पार्वती सो गई और उस समय यमुना के कंठे पे जो नदी है तो उस समय कथा मछली ने सुनी, मछली के पेट से मच्छिंद्रनाथ का जन्म होता है, उसका प्रयत्न क्या ऐसी कहानी बाबा सुना। ज्ञान में पार्वती कौन है? ज्ञान के अनुसार पार्वती किसका पार्ट है? है छोटी माँ का पार्ट पार्वती का है। अभी अमर कथा सुनाई जा रही है या नहीं सुनाई जा रही है? सुनाई जा रही है, अमर कथा सुनाई गई और पार्वती अज्ञान की नींद में सो गई। सो गई या जागृत है? सो गई। जो एडवांस ज्ञान की बातों पर ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया, न ध्यान देने के कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए राजाई की आधीन रहना अच्छा, रानी बनना अच्छा या राजा बनना अच्छा? राजा बनना अच्छा। जो निराधार पुरुषार्थ राजाओं का होता है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकी। बाबा को कहा नहीं मच्छिंद्रनाथ और पूरी कहानी बताओ तभी तो पता चलेगा, कहानी का नाम देने देने से थोड़ा ही होगा। शंकर जी जब आमंत्रण सुना रहे थे पार्वती को तो पार्वती जी सो गए, वो तो मालूम है कि सो गई, उसका जवाब दे दिया टाइम पे मछली के पेट के अंदर अमरनाथ के मंदिर पर कबूतर कथा सुन रहा था। कबूतर वो कबूतर के लिए बताया कि सफेद कबूतर था श्वेत कपूत, उसने सुन लिया। तोतों को भी दिखाते हैं कि तोतों ने भी कथा सुनी। शिव के मंदिर में काले कबूतर भी रहते हैं, कबूतर है तो आदत होती है गुटरू गु करने की, घूम घूम या आवाज करने की। तो कथा सुनते हैं क्या? वो कथा नहीं सुनते हैं, अपने अभ्यास के अनुसार आवाज करते हैं। वास्तव में तोतों ने कथा सुनी,
जिन तोतों ने बेसिक नॉलेज सुनी वो सारे तोते यहाँ बैठे हुए। कथा सुन करके उड़ गए और चारों तरफ आवाज कर दी कि प्रैक्टिकल में भगवान बाप आया हुआ है एक व्यापी होकर। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उनका बाकी बनता है कंठी वाली दूध होगा। इसके बच्चे हैं, बच्चे गंदा के बच्चे हैं या नहीं है, मछली के बच्चे हैं या नहीं है, एक मत्स्यावतार भी दिखाया गया है शास्त्रों में, माछले का अवतार। दिखाते हैं उसका आकार बढ़ता ही चला गया। राजा ने उसे कमंडल में डाला बढ़ गई, घड़े में डाला बढ़ गई, बड़ी नाद में डाल दिया भर गई, सरोवर बनाया वो भी भर गया, नदी में डाला नदी भी भर गई, आखिरी सागर में छोड़ दिया। ज्ञान सागर की बात है, कौन सी है मछली वो? रामबलिया तो मछली है, मछली में से गंध निकलती है। गंधा नाम दे दिया, सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। शनिदेव में कोई गुण भी है विशेष, जो गुण और देवताओं में उतने नहीं है। दोस्ती करने में शनिदेव सबसे अच्छा है, जिसे दोस्ती निभाता है उसे अंत तक निभाता है। दोस्ती निभाना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात, इसलिए शनिदेव की भी पूजा होती है देवता की। जो दुनिया को अर्पण किया होगा वही तो मिलेगा, शुद्ध चीज घृत अर्पण की होगी तो घी मिलेगा। तेल शुद्ध होता है या घी शुद्ध होता है? घी शुद्ध होता है, याद का भी घृत होता है, याद का तेल भी होता है, तेल रिफाइन भी किया जाता है। तेल को मशीन से निकाला जाता है, तेल को मशीन से निकाला जाता है। क्यों? बिना मशीन के तेल नहीं निकल सकता? तेल कहाँ से आ गया? धानी से निकलता है ना, घंटी ज्ञान की घंटी है। जैसे मंदिर में घंट दिखाते हैं वैसे हनुमान को घंटी दिखाते हैं। ज्ञान की घंटी नहीं बजाएंगे तो उनकी पूछ में ढेर के ढेर वस्त्र आके कैसे लिपटेंगे? लंका के सारे सुंदर सुंदर वस्त्र कहां आके लिपट गए? हनुमान की
पूंछ में आके लिपट गए। वो वस्त्र चैतन्य थे या जड़ थे? चैतन्य वस्त्र थे, तो ज्ञान की घंटी बजाए बगैर चिपक गए आगे। फिर उन्होंने कथा बना दी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसी ऐसी बातें बनाई हुई है बैठ के, है तो यहाँ की सारी बात। लंका में बड़े बड़े या छोटे छोटे रहते थे? बड़े बड़े आदमी रहते थे। ये सारी दुनिया लंका है, इसमें बड़े बड़े आदमी रहते हैं जिनका बहुत मान मर्तबा है। हनुमान की पूंछ ऐसी बढ़ेगी कि सारी लंका में आग लगेगी। तो बड़े बड़े आदमियों का सारा मान मर्तबा खलास हो जाएगा जब बहु बेटियां भागेंगी। बोलो, मान मर्तबा खलास हो जाएगा? खलास हो जाएगा। एक वार्ता में आया तो 16108 की माला आया हो तो 10,000 से पहले ये दुनिया छुट्टी है। 16108 की माला आया तो 2004 से पहले ये दुनिया छुट्टी। 2004 मिनट से पहले ये दुनिया छुट्टी है। हाँ, बाद में जो आ रहे हैं वो जो बाद में आ रहे हैं एडवांस में या बाद में भले ही आए, 2004 के बाद आने वाले बहुत बैठे हैं। हाथ उठाना जो 2004 के बाद आए हैं। इनसे ये पूछो, ये 2004 के बाद जो आए हैं वो यज्ञ के आग में थे या नहीं थे? तो 2004 के बाद के गिने जाएंगे या आज के गिने जाएंगे? हैं? तो देह की स्थिति से देखते हो तो देह याद रहती है, आत्मा भूल जाती है। और बरसनाटे पहनी, एक पाई की भी कीमत नहीं। अभी तो आठ आना भी बंद हो गया, पहले आठ आने से छोटा सिक्का था चार आने, चार आने से भी छोटा सिक्का था एक आना, एक आने से भी छोटा सिक्का था दो पैसे का, और दो पैसे से भी छोटा सिक्का था एक पाई। पहले एक रुपए में 64 पाइयां होती थी, फिर बाद में एक रुपया ऐसा निकला जिसमें 100 पाइयां निकली। अभी वो पाई को कोई पूछता भी नहीं। तो कहा गया बर्थनाटे पैनी, बर्थ माने कीमत, एक पैनी की भी कीमत नहीं। और बड़ा बड़ा कंपनी तो फेल हो रहा है, उनके पास पैसे वैसा खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ जो लोग जॉब करते हैं उनका क्या है? बड़ी बड़ी कंपनी तो फेल हो रही है ना, जो कहते पैसे नहीं है, वर्कर को सैलरी वगैरह जो देने में उनको दिक्कत आ रही है, उनका क्या होगा? तो क्या होगा मतलब उनमें जो जॉब वगैरह करते हैं उन आत्माओं को क्या होगा? क्या होगा सारी दुनिया का क्या होगा? जब बाबा ने तो बता दिया सब धंधों में है नुकसान, तो सारे धंधे वालों का क्या होगा? जो सारे धंधे वालों का होगा तो उनका होगा, हो रहा है। बाबा तो आके सारी बात पहले से ही बता दी, तो भी पूछ रहे तुम धंधा करने वालों का क्या होगा? तो क्यों पूछ रहे? और एक
होने वाली आत्मा, एक है पक्की आत्मा, कन्वर्ट होने वाली आत्मा जो है लास्ट में ज्ञान में आ जाती है, कन्वर्ट हुआ हिंदू मुस्लिम ईसाई जी में, लेकिन लास्ट में बीच में कब हो फिर हिंदू में या एक आदि को देवी देवता या उस परिवार में जो है जो आत्मा लास्ट में जाके कन्वर्ट होती है, द्वापर में कन्वर्ट नहीं होती, कलयुग में पर कन्वर्ट नहीं होती, आखिरी जन्म में जाके कन्वर्ट होती है। वो यहां भी देखने में आएगी या नहीं देखने में आएगी? कन्वर्शन यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रहा है। आज एक बाप बनाते हैं, निश्चय पत्र लिखते देते हैं, ये हमारा बाप है, अब कल कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई आज कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई कल हो जाते हैं, कोई चार छह आठ वर्ष के बाद, और कोई लास्ट में जाके कन्वर्ट होंगे। तो श्रेष्ठ कौन हुए हैं? जो लास्ट में जाके कन्वर्ट होते हैं वो अष्टदेव में आ जाते हैं। कोई घड़ी घड़ी कन्वर्ट होते रहते हैं। गुप्त रीति सेवा करने के लिए भी मजा सी गुप्त रीति से जाना चाहिए। गुप्त रीति से तो इसलिए जाएंगे कि हमें एडवांस की सेवा करनी है। अगर एडवांस ज्ञान की सेवा करनी है तो गुप्त रीति से जाना भी अच्छा है। अच्छी सर्विस हो सकेगी। बाबा एक आत्मा ने पूछा था, ये निश्चित एक आत्मा ने पूछा, ये तो आदिवासी होते हैं ना, दुनिया बन रहते सबसे आदि में कौन है, कौन से धर्म वाले हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो सत्युग में है, उससे भी पहले कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी नौकुरी के ब्राह्मण हैं या सब निर्वस्त्र ब्राह्मण है? जब मेला होता है इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम का, कुंभ का मेला पड़ता है, उस मेले में सबसे पहले स्नान कौन करते हैं? नागे, कहां की यादगार है? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात है। जो यहाँ अपने को नंगी आत्मा बनाने वाले हैं पहले पहले, वो पहले पहले ज्ञान स्नान करते हैं। आया समझ में? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कोई भी विधेयक पास होता है, बिल पास होता है, तो मेजोरिटी के आधार पर होता है, टू थर्ड मेजोरिटी के हिसाब से कोई पास होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार ये एडवांस ज्ञान प्रत्यक्ष होगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा कि मेजोरिटी में होगा? मेजोरिटी लेवल पर तो ज्यादा लोग अभी भी अपने गुरुओं को मान्यता देते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बेस्ड होगा तो कैसे होगा, और मेजोरिटी लेवल पर होगा तो कैसे होगा? पहले हमें ये देखनी है कि मेजोरिटी के आधार पर जो प्रजातंत्र राज्य चल रहा है वो सफल कितना हो रहा है। सफल तो नहीं हो रहा। बुरे कदा नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा है, तो इतनी बड़ी बात कैसे सफल हो जाएगी प्रजातंत्र में? ये दुनिया बुद्धिमानों के द्वारा चलती है, और बुद्धिमानी भी ईश्वर ही बुद्धिमानी होनी चाहिए,
या दुनियावी बुद्धिमानी होनी चाहिए? ईश्वर की बुद्धिमानी के आधार पर जो चलते हैं उनके आधार पर ये दुनिया चलती है।